पिताजी ने एक से नहीं तीन तीन एस्ट्रोलॉजर से देखा, सबने बोला कि अच्छा है, उत्तम है, उत्तम अच्छा। बोलते हैं ना हिंदी में उत्तम क्या जोड़ी है, उत्तम जोड़ी का आज ये परिणाम है। अब उस ना समझ औरत को मैं अपने गले कैसे ला सकता हूँ। शादी से पहले जो लड़का और लड़की के बीच में जो जन्म कुंडली होती है, तो जन्म कुंडली का मिलान किया जाता है कि वो दोनों का जो संजोग है वो अच्छा बन रहा है कुंडली में कि नहीं मिल रहा है। तो आप दोनों की शादी से पहले जन्म कुंडली का मिलान किया गया था? इस कुंडली के चक्कर में तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। पिताजी ने एक से नहीं तीन तीन एस्ट्रोलॉजर से देखा, सबने बोला कि अच्छा है, उत्तम है, उत्तम अच्छा। बोलते हैं ना हिंदी में उत्तम क्या जोड़ी है, उत्तम जोड़ी का आज ये परिणाम है। आपने कहा कि आपके पिताजी ने तीन एस्ट्रोलॉजर से आप दोनों की जन्म कुंडली का मिलान किया और तीनों एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि दोनों की जोड़ी उत्तम जोड़ी है, तो आज ये उत्तम का परिणाम है। तो अब उस मैं यहाँ पे कुंवारा बैठा हूँ और वहाँ पे वो, तो अभी उसको लेके कोई अफसोस हो रहा है कि नहीं यार इस पे से भरोसा उठ गया जन्म कुंडली के ऊपर से? अभी तो बोलने से क्या बोलूँ, तो देखिए कुंडली के हिसाब से तो दो इंसानों का कुछ करेक्टर सिमिलर हो सकता है, माइंडसेट तो सिमिलर नहीं हो सकता ना। उनका माइंडसेट मेरे से मेरे माइंडसेट से मैच नहीं खाता। आप लोग बोलते हैं कि जो शादी होती है उस वक्त एक आदमी इमेजिनेशन करता है, एक विजुलाइजेशन करता है कि हमारी जो संगनी है वो इस तरह की होगी। तो आपने जब शादी मतलब कि मिलने से पहले या जो आपका बेस्ट एक मेमोरी होगा उनके बारे में, जो आपने बेस्ट विजुलाइज किया होगा उनके बारे में, आपने क्या विजुलाइज किया था? देखिए हर इंडियन पुरुष जो अच्छे परिवार से आता है वो तो वही चाहता है ना कि उसका बीवी अच्छा हो, सुंदर हो, तो साथ में उसका देखभाल करे, उसका परिवार का देखभाल करे, सम्मान करे। एक नॉर्मल इंडियन गाय जो जिसका जो सपना था वो भी मेरा ही सपना था। मतलब मेरा कहने का मत पूछने का मतलब यह था कि उनके बारे में आपके जब ख्यालात बदले, आपकी जो सोच बदली कि नहीं वो ऐसी नहीं ऐसी हैं, उससे पहले आपने उनके बारे में जरूर, जबकि आप जब शादी हो रही थी और इस स्टेज तक आ गई थी, तो उस वक्त आपने एक उनके बारे में जो अब तक का सबसे जो बेस्ट एक आपने पिक्चर बनाया होगा अपने जेहन में, वह क्या तस्वीर थी? किस तरह के एक स्त्री का या किस तरह के पार्टनर का आपने एक विजुलाइज किया था उनके उनसे बातचीत के आधार पर? देखिए बातचीत के आधार पे मैं उनके साथ एक नॉर्मल इंडियन गाय के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, जो तो अच्छा लगा उसके साथ मैं सोचा कि वो एक अच्छी नारी होगी, एक अच्छी बहू बनेगी, एक अच्छी बीवी बनेगी, बस भविष्य में शायद अच्छी माँ बन सकती है। मैं तो कितनी दिनों से आप दोनों का संपर्क में थे? एक महीने से, तो इस एक महीने में आपको उनसे कभी इस तरह का प्रेम या प्यार जैसा अनुभव अनुभूति हुई? वो तो होता था क्योंकि वो रोज़ मेरे को ऑफिस जाने के बाद फ़ोन करते थे, मैं बात करता था, वो सब ठीक था, लेकिन वो कुछ कुछ चीज़ों पे हमेशा अपना डिमांडिंग फॉलो करती थी, मुझे ऐसा होना पड़ेगा, वैसा होना पड़ेगा, ऐसा देना पड़ेगा, वैसा देना पड़ेगा। मैं उसको बहुत बार समझाया भी था, देखो मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, मेरा माँ बाप आपको शगुन में जो कुछ भी देगा वो प्यार से ग्रहण कर लीजिए, उस पर आप इल्ज़ाम मत लगाए कि ये नहीं दिया वो नहीं दिया, ये होना चाहिए वो नहीं दिया। जितना हो सके उनके हिसाब से हम लोग ने कोशिश की, शगुन के शगुन में जो देते हैं वो शगुन देखे है, फिर भी वो नाखुश रही और रात को मेरे को ये सब फ़ोन करके बोला कि मैंने उनके शगुन में इतना कम दिया कि उनका मान इज्जत डूब गया गांव वालों के सामने। उससे पहले तक आपको उनसे प्रेम था? हाँ प्रेम तो होगा ही ना, आप जिसके साथ अपना जीवन का 30 साल गुजरने वाले हो उसके साथ तो आपको इंटीमेशन तो होना, अफेक्शन तो होना जरूरी है, तभी तो आप बिता सकते हैं। तो उस व्हाट्सएप एक्सचेंज से पहले जिस दिन आप जिस व्हाट्सएप एक्सचेंज के बाद में आपने तय किया कि मुझे इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना है, ठीक है, उससे पहले कभी कभी ऐसा लगा कि नहीं ये शादी टूट सकती है? नहीं, एक उससे कुछ दिन पहले यानी कि 10 दिन पहले उसी वो गहने के मामले से मेरे से खफा था, मेरे को भी गुस्सा आया, मैंने भी उससे 3 दिन तक बातचीत करना बंद कर दिया। लेकिन जैसे कि देखिए ये मेरा अरेंज मैरिज है, मेरे पिताजी और माँ ने इसको डिसाइड किया, उसको पसंद किया, उनके पसंद के ऊपर मैंने पसंद रजामंदी दी। तो जब मैंने उसके साथ बातचीत बंद हुआ, मैंने घर वालों से बोला तो उन्होंने कहा ठीक है एडजस्ट कर लो, थोड़ा तुम भी अपना गुस्सा कम करो, तुम भी अपना ध्यान रखो, उसको भी समझाओ। तो उसके बाद 3 दिन के बाद मैंने उसको खुद
समझाया, खुद माफ़ी मांग के उसको समझाया, देखो सुनो ऐसा 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 है। तब से मेरे माइंड में एक डाउट था कि ये थोड़ा डिमांडिंग रहेगा, फिर भी जैसे कि मैंने बताया 10 दिन पहले मैंने उसको समझाया बुझाया, तो मैं सकता था कि ये समझ जाएगी, क्योंकि एक एजुकेटेड नारी तो एक बार समझाने से होने वाले पति का बात तो मानेगी ना। मैं उसी समझ के बोल के शादी आ गया, जुड़न जो शगुन का दिन था, शगुन का दिन आ गया, शगुन भेज दिया, फिर भी उसने वो समझा ही नहीं, भावनाओं का कदर ही नहीं किया, भावनाओं का कदर ही नहीं किया। अगर भावनाओं का कदर किया होता तो वो रात को 11 बजे फ़ोन करके मेरे को ये सब नहीं बोलती, और ये व्हाट्सएप मैसेज में ये सब नहीं लिख के देती कि थर्ड क्लास शगुन दिया है, बहुत कम चीज़ों का दिया है, फालतू चीज़ों का दिया है, मेरा कोई औकात नहीं है इंजीनियर बोल के, स्टेटस उसके सामने मेरा दिया हुआ चीज़ों का और मेरा स्टेटस का कोई वैल्यू नहीं है, ये सब तो है ना। लेकिन आपको लग क्या कभी अभी जा करके, अभी जब इतनी सारी चर्चा हो रही है राज्यभर में, देश प्रदेश में चर्चा हो रही है, आपको लगता है कि एक व्हाट्सएप एक्सचेंज पे रिश्ते को तोड़ना सही था, या आपस में बैठ करके बात करके चीज़ों को सुलझाया जा सकता था? मैंने आपको बोला ना, उसका मैं जो उसका बिहेवियर है उसको मैं 1 महीने से मैं देख रहा हूँ, समझाया उम्र के हिसाब से मैंने उसको समझाया, क्योंकि मैं उससे उम्र में 5 साल बड़ा था, तो मैं वो समझाया, लेकिन फिर भी नहीं समझा। अब उस ना समझ औरत को मैं अपने गले कैसे ला सकता हूँ?